गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी क्लास। ओके, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आपको क्या करना है? घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, स्टे होम स्टे सेफ, है ना? ओके, तो स्टडी करते हुए आपको क्या करना है? घर पर ही रहना है। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी कक्षा में बारह खड़ी सीखेंगे। आज की हिंदी क्लास में हम क्या सीखेंगे बच्चों? बारह खड़ी। कौन सी बारह खड़ी? हमने लास्ट क्लास में कहाँ से कहाँ तक सीखा है बच्चों, बताइए? किन किन बारह खड़ियों को हम सीख चुके हैं? तो लास्ट क्लास में हम क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ यहाँ तक हम सीख चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम कौन सी बारह खड़ी सीख रहे हैं बच्चों, बताइए? आज की इस क्लास में हम कौन सी बारह खड़ी सीखेंगे? आज की इस क्लास में हम ट से लेकर टह तक की बारह खड़ी सीखेंगे। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे? ट से लेकर टह तक की बारह खड़ी को सीखेंगे, है ना बच्चों? तो आपको पता है यहाँ पर व्यंजनों को मात्राएं लगाकर बारह खड़ी की रचना की जाती है, है ना? व्यंजनों को क्या किया जाता है बच्चों? मात्राओं को लगाकर बारह खड़ी की रचना की जाती है। और मात्राएं जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्वरों की होती हैं। यहाँ पर व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मात्राएं किनकी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ स्वरों की होती हैं। और व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हमें मात्राओं की या स्वरों की सहायता होती है। तो व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर जो होते हैं वे स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है मात्राएं सिर्फ और सिर्फ स्वरों की होती हैं। और बारह खड़ी क्या होती है यहाँ पर? व्यंजनों की होती है। व्यंजनों को लिखने के लिए हमें किनकी सहायता लेनी पड़ती है? मात्राओं की, यानी कि बारह खड़ी को लिखने के लिए हमें स्वरों की सहायता ली जाती है और उन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर बारह खड़ी की रचना की जाती है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर इस क्लास में ट से लेकर टह तक की बारह खड़ी को सीख रहे हैं। तो ध्यान देना है इस बारह खड़ी को किस तरह से लिखा जाता है और इसे किस तरह से रीड किया जाता है। चलिए, तो आपको क्या करना है? जो भी मैं यहाँ पर आपको लिखा रही हूँ उसे नोट डाउन करते हुए जाना है और इसका प्रैक्टिस बार बार आपको करना है। हलन जमा अ, आपको पता है आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम अ को एज इट इज रखते हैं। आगे से ट जमा आ की मात्रा, ट को आ की मात्रा लगाने से ट का क्या बन गया? जमा छोटी की मात्रा बराबर ट को ई की मात्रा लगाने से क्या बन गया? ट का टी बन गया। क्या बन गया बच्चों? ट का टी बन गया। नेक्स्ट, ट जमा बड़ी की मात्रा बराबर ट को बड़े की मात्रा लगाने से टी, ट को बड़े की मात्रा लगाने से टी। आगे देखिए यहां पर ट
जमा ई की बात क्या होता है बच्चों, ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो फिर देखिए यहाँ पर ट, ऊ की मात्रा को कहाँ पर लगाना है, नीचे की ओर। तो ट को ऊ की मात्रा लगाने से ट का क्या बन गया, टू। आगे देखिए यहाँ पर ट जमा, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ऊ की बात कौन सा ऊ आता है, बड़ा ऊ। तो इसे इस तरह से लिखा जाता है, ट को हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी जो ट का क्या बन गया, टू बन गया। उसे इस तरह से राउंड किया जाता है, हलंत को राउंड नहीं किया जाता है। ओके, ये ध्यान में रखना है कि ऊ और हलंत के बीच क्या डिफरेंस है। तो ऊ की मात्रा जो है उसे इस तरह से राउंड किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम हलंत कहते हैं। और हलंत लगाने से अक्षर का आधा उच्चारण किया जाता है, वहाँ पर कोई मात्रा कोई स्वर का उपयोग नहीं होता है। समझ में आ गया ना बच्चों, व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और यहाँ पर बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण क्या होता है, अधूरा रहता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ऊ, ऊ के बाद क्या आता है बच्चों, री। ऊ के बाद क्या आता है, री। देखिए यहाँ पर री की मात्रा किस तरह होती है, इस तरह। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ट को री की मात्रा लगा दी, और री की मात्रा कहाँ पर लगती है बच्चों, यहाँ नीचे की ओर लगती है। तो ट को री की मात्रा लगाने से ट्री। ओके, ट को री की मात्रा लगाने से ट्री। आगे री की बात क्या आता है, री की बात क्या आता है बच्चों, ए की मात्रा है ना। तो ए की मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है, व्यंजन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ट को ए की मात्रा लगाने से टे, ट को ए की मात्रा लगाने से टे बन गया। तो नेक्स्ट देखिए ट जमा, ए की बात कौन सी मात्रा आती है, आई की मात्रा, बराबर ट को आई की मात्रा लगाने से ट का क्या बन गया, टे। जिस भी व्यंजन को हम जिस स्वर की मात्रा लगाते हैं, अंत में उसी स्वर की आवाज आती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ता आ, ता आ, टी टी ई, टी ई, टू टू, है ना। तो अंत में क्या होता है बच्चों, उसी स्वर की आवाज हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट आई की बात क्या आता है बच्चों, ओ। आई की बात क्या आता है, ओ। ओ की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है, देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, ट को ओ की मात्रा लगाएंगे जो ट का क्या बन गया, ट बन गया। ट का क्या बन गया बच्चों, ट बन गया। तो आगे देखिए यहाँ पर ट को ओ की मात्रा लगाने से ट बन गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ट हलंत, औ की मात्रा, बराबर ट को औ की मात्रा लगाने से क्या बन गया बच्चों, टाऊ बन गया। ट को औ की मात्रा लगाने से टाऊ। औ के बाद कौन सी मात्रा आती है, औ के बाद आहा की मात्रा, अम की मात्रा आती है। तो आम की मात्रा इस तरह लिखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर ट को आम की मात्रा लगाने से टम, टम को, ट को आम की मात्रा लगाने से टम। ओके, नेक्स्ट आम के बाद कौन सी मात्रा आती है यहाँ पर, आहा। तो ट के बाद कौन सी मात्रा आ गई बच्चों, सॉरी आम के बाद कौन सी मात्रा आती है, आहा। तो हमने क्या किया, ट को आहा की मात्रा लगा दी जो ट का क्या बन गया, टहा।
ओके। और ये जो मात्रा है हमेशा वर्ण के बाद लगती है, अंग की मात्रा हमेशा वर्ण के ऊपर लग जाती है। तो इस तरह बारह खड़ी की रचना की जाती है। चलिए इसे एक बार रीड करते हुए हम क्या करेंगे, इसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ट जमा अ बराबर ट, ट जमा आ की मात्रा बराबर टा, ट जमा ई की मात्रा बराबर टी, ट जमा ई बड़ी की मात्रा बराबर टी, ट जमा ऊ की मात्रा बराबर टू, ट जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर टू, ट जमा री की मात्रा बराबर ट्री, ट जमा ए की मात्रा बराबर टे, जमा आई की मात्रा बराबर तय, ट जमा ओ की मात्रा बराबर टो, ट जमा आई की मात्रा बराबर सॉरी ट जमा ओ की मात्रा बराबर टो, ट जमा अम की मात्रा बराबर टम, जमा अह की मात्रा बराबर टहा। ओके, इसे इस तरह से रीड करना है। और एक तरीका है इसे रीड करने का, जिसे कि हम ट टा टी टी टू टू ट्री टे टै टो तहा, तो इसे इस तरह से भी रीड किया जाता है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो आज हमने क्या सीखा, ट से लेकर टहा तक की बारह खड़ी को हमने सीखा है। तो चलिए बच्चों, आज आपके लिए क्या ग्रह कार्य है, आज की इस क्लास अनुसार ट के बाद कौन सा अर्थ वर्ण आता है बच्चों? ठ। तो यहाँ पर क्या करना है, ठ से लेकर टह तक की बारह खड़ी आपको लिखनी है। ओके, क्या करना है बच्चों, ठ से लेकर ठ तक की बारह खड़ी आपको लिखनी है। कितनी बार? फाइव टाइम्स। कितनी बार? फाइव टाइम्स। इसे भी फाइव टाइम्स लिखना है और इसकी प्रैक्टिस भी आपको क्या करनी है, फाइव टाइम्स करनी है। मात्राओं को जोड़कर बारह खड़ी आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो क्लास आपको समझ में आ चुका होगा, आज की बारह खड़ी आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट बारह खड़ी को लेकर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।